15 साल बाद कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश में अधिकारी मुखर हो गए हैं। अधिकारी अब राजनेताओं के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डंपर कांड को लेकर रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुला पत्र लिखा है। अधिकारी की पूर्व सीएम के नाम लिखी चिट्ठी सुर्खियां बटोर रही है। हमने नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं तब भी बोला था कि मैं किसी भी प्रकार के बयान पर, कथन पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन यह चूंकि बहुत ही असत्य घटना थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने इस बिंदु पर उन्हें स्पष्ट किया कि जहां तक मुझे ज्ञात है मेरी पत्नी कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ी है। साथ में मैं ये जरूर था कि उन्होंने इस मुद्दे को जिस दिशा में ले जा करके लोगों में भ्रम फैलाने के दृष्टि से, मुझे लगा कि ये बातें लोगों में भ्रम फैला रही हैं, तो मैं स्पष्ट किया कि देखिए मेरे समक्ष लोग आए थे और डंपर के लिए लोग रास्ता पूछते थे, कहते थे कि हमको डंपर खड़ा करने के लिए उनके गली को सफाई करवा दीजिए, वहाँ पर वो कर दीजिए, फिर भी हमने ये बात कभी कही नहीं थी किसी से। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में कमेंट लिखा, इसलिए मैं खाली उनको बताया कि इस प्रकार से मेरे समक्ष भी लोग आए थे, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं किया था, ना मैं कोई उस पर कोई कमेंट करना चाहता था। आपको बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 नवंबर संभाग आयुक्त कार्यालय के सामने किसान आक्रोश आंदोलन की अगुवाई की थी और उस दौरान उन्होंने संभाग आयुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सभाजीत यादव पर उनकी पत्नी के कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने की बात भी कही थी, जिसका सभाजीत यादव ने 5 पन्नों के पत्र के जरिए जवाब लिख कर दिया है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।